कौन कौन जॉब करना चाहता है दुबई में? पहली बात तो काफ़ी सारा वैकेंसी आया हुआ है, वाइट कलर्स ब्लू कलर्स दोनों के लिए। वाइट कलर्स का सैलरी लगभग 1 लाख से ऊपर है, यहाँ का AED 6000 से है, एंड ब्लू कलर्स का लगभग यहाँ का नहीं बोलने से आपका 1500 यानी इंडिया का 30000 समथिंग से ऊपर है, ठीक है। चलिए रिक्रूटमेंट का बात करने से पहले, जॉब की बात करने से पहले आप सबको स्वागत तो कर दूँ, है ना। नमस्ते दर्शक, सलाम वालेकुम, स्वागत करता है GS प्रोमो चैनल के एक और वीडियो में। मेरा ड्यूटी अभी शुरुआत हुआ है, तो चलिए आपको भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दें सोचा था। पहली बात तो मैं आपको जॉब के बारे में बताया, इससे पहले मैं आप सबसे डेफिनेटली आई एम सॉरी, माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भाई आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें, कॉन्टैक्ट कैसे, आपका संपर्क कैसे करें। यार मैंने आपको बोला कि मेरा इंस्टाग्राम में डो करो, क्या करते हैं कॉन्टैक्ट करो, DM करो, पर वो इंस्टाग्राम भी उड़ गया था। और सिंपल है वजह कि डिलीट होने का, क्योंकि वो दोनों फेसबुक और मैंने इंस्टाग्राम दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड किया था, ठीक है। एंड फेसबुक डिलीटेड हो गया, फिर ये दूसरी बार है, पहला बार डिलीट हुआ था और ये बार भी बना, ये बार भी डिलीट हो गया। दोनों का रीज़न सिंपल है कि फेसबुक का कुछ अपना कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, जिसको आप ब्रेक करते हो या अगेंस्ट जाता है तो आपको वो डिसेबल कर देता है परमानेंटली। और करने से पहले वो लोग ये बताते हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं, आप रिक्लेम कर सकता है, रिक्लेम करने का करने के लिए आप वजह देना पड़ता है और वो लोग रिव्यू करते हैं कि आपने क्या कहते हैं वो किया कि नहीं, उनका अगेंस्ट गया कि नहीं। डेफिनेटली मैंने अगेंस्ट गया था, अगेंस्ट इन द सेंस मैंने जो यहाँ पे फेसबुक था उसमें मैंने क्या करते थे, एडवर्टाइज करता था बहुत ज़्यादा, और हर एक ग्रुप में, जैसे बहुत सारा ग्रुप में, तो वो शायद ठीक नहीं थे। एनीवे छोड़ दो, वो रिलेटेड नहीं इस बात के। तो मैंने फिर से एक इंस्टाग्राम खुला है, फिर से एक फेसबुक खुला है, आपको मैं दोनों का लिंक दे के रख दूंगा, क्योंकि वो इसलिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर तो आप सबको दे के रखता हूँ, वो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। यदि आप व्हाट्सअप में मुझे मैसेज करते हो तो प्लीज़ वहाँ पे टाइप कीजिएगा कि GS प्रोमो और करके, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी रिलेटेड, चाहे आप सर्विस चाहते हैं या आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और मैंने आपको पहले से बता रखा है और पहले वीडियो भी बनाया है इसमें, यदि आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको दूंगा। यदि आप दुबई में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब आप सर्विस मांगते हो, मान लो सपोज आप यहाँ के जॉब करना चाहते हैं, आप बोलते हो मुझे वीज़ा भेज दो, टिकट भेज दो, उसके बाद यहाँ आके जॉब भी दिला दो, तो मैं डेफिनेटली चार्ज करूँगा, क्योंकि आपको वीज़ा भेजने के लिए मुझे दौरा करना होगा, टिकट के लिए करना होगा, अपना टाइम निकालना होगा, राइट। उसके बाद आपको वीज़ा होने के बाद यहाँ आने के लिए आपको वहाँ क्या कहते हैं एयरपोर्ट से लेके आना होगा, फिर आपके लिए एकोमोडेशन ढूंढना होगा, फिर आपके लिए अच्छा प्राइस का और अच्छी जगह, सेफ्टी जगह ढूंढना होगा, वहाँ रखना होगा, उसका जॉब मिलेगा ना मिले वो सारा हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। जॉब मिलने तक आपको मुझे रखना होगा, खिलाना होगा, पिलाना होगा, एवरीथिंग, राइट। स्पेसिफिक एक अमाउंट या फिर आप ये कह सकते हैं पैकेज मैंने बनाया नहीं है, बस क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबको आ जाओ मैं जॉब दिलाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। जैसे जैसे हमारे पास कुछ वैकेंसीज होंगे उस तरह मैं आपको अनाउंसमेंट करूँगा कि ऐसे ऐसे वैकेंसी है, और यदि आप मेरे भरोसा आते हैं, मेरे भरोसा किसी भी नहीं कहूँगा, वो जिनको मैं जानता हूँ उन एजेंसी के पास या उन रिक्रूटमेंट के पास जाते हैं और उनसे रफ्ता करते हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा यदि आपको पैसा खा के जाता है तो। लेकिन मैं पहले भी बताया, मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है कि आप उसको पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। यदि आप मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं करते हो, ऐसे ही बोलते हो कि GS ब्रो की आज वहाँ से आई, तो आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल, है ठीक है। एंड हाँ, तो संपर्क करने के लिए मैं व्हाट्सअप नंबर डेफिनेटली दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर के साथ इंस्टा और फेसबुक दे दूंगा, ठीक है। एंड तो जॉब क्या क्या है बोलने से, फिलहाल जो व्हाइट कलर्स का जॉब है वो अकाउंटेंट है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। एंड हाँ, एग्जीक्यूटिव उसका सेल्स का है, दूसरा आपका डिज़ाइनर्स का है, ग्राफिक डिज़ाइनर का है, ठीक है, जिनका सैलरी लगभग ग्राफिक डिज़ाइनर का यहाँ में 2500 से स्टार्ट है, 3000 से स्टार्ट है, ठीक है, फ्रेशर के लिए, और जैसे पुराना होगा 4000-5000 बढ़ते जाएगा। लेकिन जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका 3000 से शुरुआत है, उसमें सैलरी होगा, एकोमोडेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फूड अपना रहेगा, ठीक है, वीज़ा होगा, एंड उसके बाद क्या थी, हाँ, अकाउंटेंट भी है। और जो उसका नाम क्या था, ब्लू कलर्स का, यानी जो छोटा मोटा काम करना, जैसे सेल्स में काम करने लगा, सेल्स का है यहाँ का 1500 सैलरी है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन है। देखो देखा जाए तो 1500 कम नहीं है, क्यों बोले से आपका रहना दे रहा है। यदि आप बाहर रहते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन और रहना बाहर करते हो, जैसे आपको मान लो आपने
प्राइवेट रूम लिया है या फिर छोटा सा पार्टीशन या बेडिशन में रहते हो तो मिनिमम 500 खर्चा हो जाता है वहाँ पे। और ट्रांसपोर्टेशन यानी आप मेट्रो में जाते हो, बस में जाते हो, टैक्सी में तो नहीं जा सकता, बहुत महंगा रहेगा, बस में भी जाते हो या फिर आप हमें कार लिफ्ट करके होता है या उसके जरिए भी जाते हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इसको एटलीस्ट 200 तक खर्चा होता है, 200 से 300। सो देखा जाए तो आपको इनडायरेक्टली 2500 यानी 2500 दे रहा है, यानी इंडिया का 50,000 सैलरी दे रहा है। ठीक है, आप ये नहीं सोचते 1500 दे रहा है, 1500 में क्या बचेगा, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन वो फ्री दे रहा है, एकोमोडेशन दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जाने आने का जो खर्च होता है गाड़ी पे, एकोमोडेशन का मतलब जो रहने का रूम, ठीक है, वो दे रहा है, उसके बाद 1500 रुपये दे रहा है। इसके लिए कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको इंग्लिश अच्छा आना जरूरत नहीं, हिंदी फ्लुएंटली बोलना जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत व्हाट्सएप में मुझे GS Pro करके उसमें लिखो, उसके बाद अपना रेज्यूमे भेजो या जो भी आपको सिर्फ सर्विस चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, ठीक है। और अभी तक मैंने कोई पैकेज नहीं बनाया कि आपको लेकर जॉब लगाने तक 30,000 में या 40,000 ऐसा कुछ नहीं बनाया, देखते हैं फ्यूचर में कुछ बना तो। लेकिन फिलहाल जो भी उनके पास रिक्रूटमेंट है उसी हिसाब से मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, आप चाहें तो अभी आ सकते हैं। ये देने का मकसद यही है कि आप वेट कर रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी का जॉब के लिए, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आके आप अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या बोलनी थी, हाँ, यदि आप में से कोई भी चाहते हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, बिजनेस सेटअप का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ऐसा कुछ नहीं। मान लो सपोज आप कोई प्लम्बर है या कारपेंट्री है या फिर टेक्नीशियन है जैसे गाड़ी बनाने वाला, गाड़ी गराज खोलने वाला ऐसा है, या एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं जॉब नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हो गया इन सब का यहाँ खास कोई सैलरी नहीं है, ठीक है, लगभग 1200-1300 ऐसे ही कुछ है, यानी इंडिया का 20-22-23,000 ऐसा समथिंग है, ठीक है। तो इतना तो शायद जो प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसके बाद कारपेंटर, ये तो इंडिया में कमा लेगा इतना या नेपाल में कमा लेगा, राइट। तो यहाँ आने का कोई मकसद ही नहीं हुआ, इतना गर्मी, अपना देश से इतना दूर, अपना परिवार से इतना दूर, है ना, हम सब यहाँ आते हैं 2 रुपये कमाने के लिए, तो अपना फैमिली के लिए, राइट, तो यहाँ कोई मतलब नहीं होता। तो आप सबको मैं एक सिंपल सा और अच्छा सा सुझाव दूंगा, आप यहाँ आ ही रहा है प्लम्बर करने के लिए हो या इलेक्ट्रिशियन के लिए हो, ठीक है, आप लोग 2-4 दोस्त मिल के, मान लो आप एक प्लम्बर हो गया, एक इलेक्ट्रिशियन हो गया, है ना, ऐसा 2 या 3 लोग मिल के यहाँ पे एक छोटा सा कंपनी खोल सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और उस कंपनी का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लगभग आपको यहाँ पे 15,000 से 20,000 तक खर्चा होगा सब कुछ करके, उसमें ऑफिस करके, उसकी बात क्या कहते हैं लाइसेंस करके, आपका वीज़ा करके 20-22,000 हो जाएगा, यानी 20-22,000 इंडिया का लगभग होता है आपका, 4 लाख भी नहीं होगा, 3 लाख समथिंग होगा, ठीक है, वो एक बार का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप 4 आदमी करते हो तो 1-1 लाख रुपये तो दे सकते हैं ना, राइट, है कि नहीं। 1-1 लाख रुपये देके आप अपना कंपनी खोल के यहाँ पे काम करने से एक क्या फ़ायदा है, आप अपना फैमिली को आसान से बुला सकते हैं स्पोर्ट्स वीज़ा में, फैमिली वीज़ा में, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे जो क्या होता है ऑफिशियली जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, राइट। यदि आप बाहर देश जाना चाहते हो, यहाँ से यूरोप कहीं भी US जाना चाहते हो, कहीं भी जाते हो, बात को अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेटस अच्छा है। क्योंकि देखो आप जब इस कैटेगरी में आपका ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का इस कैटेगरी में कहीं पे कंपनी में काम करने जाते हो तो आपका वीज़ा बहुत ही लो कैटेगरी का होता है, ठीक है, जो कि कल को आप यूरोप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते तो वो एलिजिबल नहीं हो सकते, और यहाँ भी कोई बैंक का सुविधा आप नहीं रख सकते, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, कुछ भी नहीं रख सकते। लेकिन आप यहाँ की 4-5 लोग मिलकर कंपनी फॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बैंक का सुविधा मिल सकता है, यहाँ से लोन सुन मिल सकते हैं, जिन पे आप कल को अच्छा अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, घर पे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं ना, और यूरोप जाना चाहिए यूरोप जा सकते हैं, बहुत फ़ायदा है। सो आप अकेले आने से अच्छा है 2-4 दोस्त मिलो, उसके बाद यहाँ आके बिजनेस सेटअप करो, और इसका नॉलेज नहीं है तो मैं आपको दे सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, मेरे जगह कोई और भी दे सकता है, लेकिन उससे पहले आप पैसा डालें, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है, जो मैं बोल रहा है सच है गलत है किसी और से पूछ लो, ठीक है, उसके बाद एनालाइज होने के बाद डिसीजन लो, ओके। आज के छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यदि आप सबको ये जो मैंने अभी कहा था जो जॉब वैकेंसी चल रहा है चाहिए तो जो भी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन वो मैं गया हुआ कल भी आपको फ्री दे रहे थे, आज भी दे रहा हूँ, आने वाले कल भी दूंगा। पर यदि आपको चाहिए सर्विस, एयरपोर्ट में पिकअप करना हो गया, वीज़ा देना हो गया, टिकट्स देना हो गया, जॉब दिलाना हो गया, है ना, तो डेफिनेटली आई विल चार्ज, बट ऐसा नहीं कि हाँ आप कोई भी हो मैं ले लूँगा, आप मुझे चार्ज पे कर रहे हो, ऐसा नहीं। पहले आपका रिज्यूमे मुझे भेजो,
ठीक है, फिर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा या मैंने जो बंदा लोग रखा है वो लोग इंटरव्यू लेगा आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कौन सा काम मिल सकता है आपको, आपका क्या एलिजिबिलिटी है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपने पढ़ा लिखा ना भी किया तो उस हिसाब का हम जॉब आपको दे सकते हैं, ठीक है। हम आपको राइट इन्फॉर्मेशन देगा, एडवाइस करेगा, बाकी हर एक डिसीजन आपका रहेगा, ठीक है। जब आप लगेगा दिल से हाँ बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, करेंगे, देन यू आर गुड टू गो, आप मोस्ट वेलकम है दुबई में, ठीक है। सो इतना ही है, थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।